नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को टच करिएगा नया वीडियो पाने के लिए। तो चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लघु उत्तरी का जो है ये प्रश्न 8वां क्वेश्चन है, और बहुत लोगों ने जो है कमेंट किया, आपको जो है ये कमेंट किए हैं जो, तो मैं आपको शुरू से भी पढ़ाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा नंबर मैं नहीं डाल पाया, ठीक है, मगर ये जान लीजिए जो जहाँ मान ये लघु उत्तरी का जो है 8वां प्रश्न है, आप मिलाएंगे बुक से तो मिलेगा तो ठीक है। देखिए जो है यहाँ पर जो है कह रहा है कि सिद्ध कीजिए इसको, तो जो जब चिन्हों के अपने सामान्य अर्थ हैं, ठीक है, नीचे लिखा है जब चिन्हों के अपने सामान्य अर्थ हैं, ठीक है, ये प्रश्न के नीचे लिखा गया है, तो इसको हल करना है, ठीक है। तो हम हल करते हैं, चलिए आइए ए को देखिए। यू बराबर पी ई वन माइनस कॉस थीटा है ये, ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव में संचित ऊर्जा क्या होती है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव द्विध्रुव में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? U बराबर माइनस PE ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा टू। समीकरण नंबर ये हमारा एक हो गया, ठीक है, इसको एक मान लेंगे, ठीक है, ये हो गया एक समान रूप से हो, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन जो दिया है, ये में क्या कह रहा है कि यदि जो है इसमें कह रहा है, ये ए में क्या कह रहा है, ए के कंडीशन देख लीजिए, यदि मूल रूप से द्विध्रुव ई के अनुदिश है तो इसे थीटा कोण घुमाया जाता है। यदि यहाँ जो है ये कह रहा है, जो लाना है यही जो है के बारे में, यदि मूल रूप से द्विध्रुव ई के अनुदेश है तथा इसे थीटा कोण से घुमाया जाता है, तब क्या हो जाएगा? थीटा वन बराबर हो जाएगा 0 तथा थीटा टू बराबर क्या हो जाएगा? ये 0। एकदम दिमाग में जो है याद करिए, रख लीजिए, थीटा टू बराबर थीटा, थीटा वन बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, यही समीकरण एक है, समीकरण इसको एक माने हैं, तब समीकरण जो है, समीकरण एक से, एक हमारा क्या है, यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा वन और ये कॉस थीटा टू, ठीक है। तो यह समीकरण आपको याद करना होगा, ठीक है, इसी के द्वारा जो है हम यह सिद्ध करेंगे, यू बराबर पी वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा वन 0 मान लिया, थीटा टू बराबर थीटा मान लिया, यहाँ उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, रख देते हैं, माइनस पी ई कॉस थीटा वन का मान क्या है? 0 है, और इसका मान है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा देखिए, कॉस 0 का मान भी है, आप लोग को लर्न होना चाहिए, नहीं लर्न है तो त्रिकोणमिति में जाकर जो है मैथ का भी आप जो है तीस अंश ज़्यादा करके 0, 30 अंश 60 अंश आप जो है त्रिकोणमिति वैल्यू भी लर्न कर लें, क्योंकि उस समय जो है क्वेश्चन में जो है आ जाएगा तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, अगर आप याद किए रहेंगे तो काम आएगा आपके। तो यू बराबर हो जाएगा माइनस पी ई, इसका मान क्या होता है? 1, ये हो जाएगा कॉस थीटा। हमारा देखिए पहला आंसर जो है सामने दिखाई दे रहा है, जो आ गया, सिद्ध हो गया, ठीक, ये पहला क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया है, ठीक है, ये हम आंसर दे दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, बी इक्वल टू माइनस ये पी ई, ठीक है, ये कह रहा है कि ये माइनस पी ई कैसे आएगा, तो चलिए हम बी के सॉल्यूशन में, तो बी क्या है, यदि विद्युत द्विध्रुव आरंभ में ई पर अविलंब है
अभिलंब है जिसे थीटा कोण से घुमाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना होगा और लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली किसी चीज़ को जो है नहीं लिख सकते हैं सर, यानी आपको इतना ये मतलब कि यदि विद्युत ध्रुव आरंभ में ई पर अभिलंब जिसे थीटा कोण घुमाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब अभिलंब का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ आज बकायदा आपको, 90 अंश, जहाँ भी ये अभिलंब क्या रहा है 90 अंश ये दर्शाता है, यानी थीटा वन हो जाएगा ये 90 अंश, और थीटा टू क्या हो जाएगा यहाँ ये थीटा। ठीक है, पहले हम माने थे थीटा वन 0 था, ठीक है, अब ये 90 अंश दर्शा रहा है। ठीक है, रहा 90 डन। अब यहाँ हम करेंगे समीकरण एक से, अब यही वैल्यू जो समीकरण एक से यही वैल्यू हम क्या करेंगे समीकरण में रख देंगे, कि इसमें जो पहला हम माने थे पहला यही था ना, यही में रख देंगे हम यही वैल्यू। तो चलिए समीकरण को हम ये यू बराबर दिया है पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, ये टू हो गया। अब यही वैल्यू हम यहाँ ला कर क्या करेंगे रख देंगे, माइनस पी ई कॉस थीटा, ये कॉस क्या हो गया 90, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस 90 की वैल्यू अब क्या जानते हैं, अगर जानते होंगे तो आपके दिमाग में फट दे आ गया होगा, आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। नहीं जानते हैं तो देखिए इसमें इसके लिए क्या करिए आप लर्न करिए, ठीक है, नहीं तो आगे क्या होगा दिक्कत होगा। दिक्कत ये होता है कि आप वहाँ गलतियाँ कर बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये कॉस 90 का मान हो जाएगा यहाँ 0, क्या हो जाएगा 0, और ये कॉस थीटा हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ से ये कॉस थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कॉस थीटा हो गया, अब इसको यहाँ से हम यहाँ ये कॉस थीटा था ये थीटा वन हम बराबर 90 माने थे और थीटा टू बराबर ये थीटा माने थे। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉस थीटा हो गया, अब यहाँ ये कॉस 90 0 हो गया, यहाँ माइनस माइनस का यहाँ करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम गुणा कर देंगे यू बराबर, तो ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर जो है पी ई आ जाएगा। ठीक है, यानी कॉस थीटा ये थीटा जो है यहाँ ये थीटा टू बराबर 90 रखा गया है। ठीक है, इसे में ये प्लस आ जा रहा है, क्या आ रहा है इसे में ये प्लस आ रहा है, क्यों माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, ये सही नहीं है। आप क्या करिए यहाँ थीटा टू बराबर क्या है 90 तथा थीटा वन बराबर ये थीटा रखिए इक्वेशन वन में, तो यू बराबर हो जाएगा यहाँ ये माइनस पी ई कॉस थीटा कॉस 90। अब यहाँ से आंसर जो है ये सही हो जाएगा, कॉस थीटा ये हो जाएगा 0, यहाँ से आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, यही आ गया जो लाना था, इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में रखिएगा थीटा पर 90 रखिएगा, यहाँ से तो प्लस हो जा रहा है, ये रॉन्ग है, ये लाना नहीं है ये। ठीक है, लाना हमको क्या है ये, तो इस प्रकार ये आंसर सही होगा। हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।